हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो जैसा कि आप लोगों का जो जिन बच्चों ने यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दिया था उनका कल जो है ऑफिशियल आंसर की और उसको एबीवीएमयू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है और आई होप कि आप सब ने उसको मैच कर लिया होगा अपनी ओएमआर की कार्बन कॉपी से। तो बहुत सारे बच्चों ने मतलब उन्होंने अपने स्कोर मुझे बताए हैं और अगर अभी तक आपने मतलब अपना स्कोर मेरे को नहीं बताया तो आप प्लीज़ ठीक है कमेंट सेक्शन में उसको अपना स्कोर जो है वो कमेंट कर दो ताकि मैं एक जो प्रेडिक्ट जो है कट ऑफ जो है 2023 का उसको मतलब मैं बना सकूं। और आई होप कि मतलब जिन बच्चों ने काफ़ी बच्चों के मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं ठीक है नो डाउट मतलब उन्होंने कमेंट में मेरे को बताया कि इवन 168 तक मार्क्स आए हैं बच्चों के ठीक है जिन्होंने मतलब मुझसे खास कर मतलब मेरे से गाइडेंस लिया था। तो मैं मतलब काफ़ी खुशी हुई मुझे कि मतलब कम से कम मैं मतलब मेरे द्वारा जो भी मतलब मैं पढ़ाया उससे बच्चे को मतलब हेल्प हुई और वो एक अच्छा स्कोर किया ठीक है। तो काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो ठीक है। जिन्होंने मतलब अच्छा किया उनको भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप ठीक है निराश मत होना ऐसे ठीक है कि आप कुछ और इधर उधर करो, आप फिर से एक बार लग जाओ। अगर आपको यही आपको इसी फील्ड में आना है तो एक बार आप ठीक है फिर से पूरे मन के साथ इसमें जुट जाओ पर तैयारी में, कहीं ना कहीं आपके मतलब तरफ से कुछ ना कुछ तो कमी रह गई जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि जो रिज़ल्ट है आपका ठीक है जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा ठीक है। जो मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है भैया कब तक आएगा। तो देखो जो लास्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे आज आंसर की आई थी उसके जस्ट अगले दिन जो है आपका वो स्कोर कार्ड आ गया था ठीक है। क्या आ गया था आपका स्कोर कार्ड ठीक है, आपका स्कोर कार्ड जो है वो आ गया था। स्कोर कार्ड मतलब देखो रिजल्ट जैसा ही मतलब होता है, वैसे उसमें क्या होती है आपकी जो रैंक है ठीक है, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, ओवरऑल जो AIR आपकी कितनी है, तो ये सब चीज़ उसमें मेंशन नहीं होता, बस आपके सिंपली क्या मार्क्स मेंशन होते हैं कि आपने कितने मार्क्स जो हैं इसमें स्कोर किए हैं ठीक है। तो जो पिछली बार का जो मतलब अब तक का जो ट्रेंड रहा है कि आंसर की के जस्ट अगले दिन मतलब कि आज जैसे आंसर की कल रिलीज हुई है तो आज मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि आज शाम तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाए ABVMU की तरफ से ठीक है। बाकी इसके बाद जब बात करते हैं जो मतलब इसका रैंक कार्ड होता है ठीक है, क्या रैंक कार्ड होता है देखो रैंक कार्ड में मतलब रैंक कार्ड स्कोर कार्ड में बस इतना डिफरेंस होता है कि रैंक जो स्कोर कार्ड होता है उसमें आपकी रैंक मेंशन नहीं होती है और जो रैंक कार्ड होता है ठीक है उसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं, आपकी रैंक कितनी है, AIR कैटेगरी रैंक सब कैटेगरी रैंक सब कुछ मतलब एक जो रिज़ल्ट होता है प्रॉपर वो जो आपका रैंक कार्ड आता है तब वो एक रिज़ल्ट प्रॉपर माना जाता है कि आपका ठीक है ये है प्रॉपर रिज़ल्ट आपका ठीक है ए रैंक है ठीक है। तो इसका जो अब बाकी जो रैंक कार्ड था स्कोर कार्ड के जस्ट एक दिन बाद आया था ठीक है। तो मतलब कि जो पूरा एक कंप्लीट जो रिज़ल्ट आता है वो आंसर की के जस्ट दो दिन बाद ठीक है आपका आ जाएगा, मतलब आज कल में ठीक है आज हो सकता है कि शाम तक कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ जाए ठीक है आज मतलब, बाकी कल तक जो है आपका रैंक कार्ड सब कुछ आ जाए क्योंकि इस बार जो मतलब चीज़ें जो भी मतलब प्रोसेस हो रहा है सब कुछ काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो इसमें मतलब कोई ज़्यादा आप लोग परेशान मत हो, रिज़ल्ट कब आएगा उसके पीछे मत पड़ो ठीक है। बाकी अगर आप एक अच्छा मार्क्स ठीक है आपने गेन की मतलब स्कोर कर रहे हो तो आपको इतना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आएगा। बस बहुत होगा कि 3 दिन लग जाएगा, 2-3-4 दिन लगेगा, बट रिज़ल्ट आएगा ठीक है जल्दी ही विद इन 2-3 डेज ठीक है, मतलब 2-3 दिन के अंदर आपका जो कंप्लीट रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और स्कोर कार्ड हो सकता है कि आज शाम तक ही आपका आ जाए ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया उनको भी ठीक है मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आपको ठीक है बहुत बहुत बधाई ठीक है, आपने इतना अच्छा किया ठीक है। बाकी अगर आपका मतलब आई होप कि जो इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो उसको मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिया हो। बाकी अगर आपका कोई अब भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम ID ठीक है पिन कर दूंगा, वो आप वहाँ से जाके मेरे को DM करके आप पूछ सकते हो ठीक है। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।